हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को दैट इज योर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जिसमें हमने ये बात की थी कि ग्रोथ क्या होती है डेवलपमेंट क्या होती है एंड ये दोनों दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं ठीक है ठीके? और हमने क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव बहुत सारे डिफ्रेंसेज पड़े थे स्ट्रीट लीनियर uh, में चलती है कोई स्पायरल होती है आपकी तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था सिर्फ टू रिकॉल दैट वन चीज तो हम उसको एक ऑन दी होल एक बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं स्टेट कर देती हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफ्रेंस जब भी हम किसी प्लांट को प्लांट करते हैं मतलब हम किसी भी प्लांट को उगाते हैं जब हम सीड्स उगाते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है उसमें ग्रोथ होती है वो उगता है ठीक है वो ग्रोथ है जो उसका बड़ा होना क्या है ग्रोथ है पर जब वो बड़ा हो जाता है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आती है वो कितना स्ट्रांग हो जाता है वो डेवलपमेंट है ये चीज़ आपको याद रखनी है इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखोगे तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाएगा ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ोगे इन ही स्टेजेस के ऊपर बेस्ड है उस थ्योरीज ठीक है क्योंकि ये ही जो पांच स्टेजेस है यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेलाइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे ठीक है सो बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की वैसे तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट तक पढ़ते हैं चाइल्ड के स्टेजेस ही पढ़ते हैं जो कि आपकी एडेलोसेंस तक रहती है बट ऑन दी होल एक बार आपको सारी स्टेजेस का एक आइडिया दे, दे देते हैं एज उसके बाद हम अडल्टुड नहीं कवर करेंगे अडल्टुड आपकी सिर्फ एक थ्योरी में कवर की गई है जो कि आपकी आ, इन, कौन कौनसे की थ्योरी थी उसमें ही कवर की गई आपकी जो पूरी लाइफ की आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें स्टेट किए गए हैं तो बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहला पीरियड आता है प्रीनेटल पीरियड जो कि हम बोल सकते हैं एटी टू एटी डेज का होता है ट्वेंटी फोर्टी टू वीक्स का होता है नाइन मंथ्स टेन डेज का होता है अगर आप इसको क्योंकि आपको ये याद रखना ज़रूरी है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर उसके बाद प्री पीरियड यह आपका कंसेप्शन कम कंसेप्शन पीरियड भी इसको बोलते हैं हम ठीक है आपको ये याद रखना है फिर उसके बाद आती है आपकी इन्फेंसी ठीक है इन्फेंसी कौन सी होती है आपकी जो जीरो से मतलब आफ्टर बर्थ जीरो से टू इयर्स तक जो रहता है आपका वो आपका इन्फेंसी पीरियड होता है फिर उसके बाद आपका चाइल्ड चाइल्ड हुड आता है आपका चाइल्ड हुड जो है वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशेट किया गया है अर्ली एंड लेट अर्ली चाइल्डहुड आपके दो से छः साल तक बीच में आता है फिर आपका लेट आता है सात से बारह के बीच में फिर आता है आपका एडोलेसेंस ठीक है एडोलेसेंस जो है आपके वो तेरह से अट्ठारह साल के बीच में आता है ये चीज़ आपको याद रखनी है अभी हम इनको इन डिटेल समझेंगे कि कौन कौन सी जो वैल्यूज़ है वो इनकलकेट होती है या कौन कौन सी चेंजेस आपको इस पीरियड में देखने को मिलते हैं फिर नेक्स्ट आता है आपका अडल्टुड अडल्टुड आता है आपका ट्वेंटी से टिल डेथ तक ठीक है उसमें आपका आता है अर्ली अर्ली में आपका हम बोल सकते हैं कि ट्वेंटी से फोर्टी ईयर्स के बीच में फिर हम बोल सकते हैं मिडिल आता है फोर्टी से आपके जो सिक्सटी फाइव तक रहता है और सिक्सटी फाइव से जो आपका अबव जितना भी आपकी एज रहती है वो आपके लेट में आती है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अब इसमें सिर्फ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री पीरियड की या कंसेप्शन पीरियड जिसे बोला गया है ठीक तो है यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है एक इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखने की हैं कि ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट होती है यहाँ पे ये आपको फास्टेस्ट होती है ग्रोथ यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है अब खुद देखो एक ब्लड क्लॉट से बच्चा कहाँ तक डेवलप होता है एक ब्लड क्लॉट से बच्चा फुल्ली ग्रोन चाइल्ड ग्रोन बेबी हम बोल सकते हैं बेबी तक होता है तो आप खुद देख सकते हो कितनी फास्ट ग्रोथ होती है सिर्फ नौ मंथ्स में आपके या टू एटी डेज़ में हम बोल सकते हैं एक ब्लड क्लॉट से बच्चा पूरा एक आ, बेबी बन रहा है तो कितनी फास्ट ग्रोथ होगी ये चीज़ इसकी एक करेक्ट्रिस्टिक वैल्यू है सी अगर आपसे ऑन दी होल पूछा जाए तो आपका करैक्ट करेक्ट आंसर ये रहेगा बट आफ्टर बर्थ पूछा जाए आफ्टर बर्थ सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ इस इन्फेंसी पीरियड में होगी ठीक है इस इन्फेंसी पीरियड में होगी ठीक है ना सो so, अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे आपके इनफैंसी के बारे में प्रीनेटल में सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्शन से आपके बर्थ तक का ये टाइम रहता है जिसमें आपका ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है ठीक है अगर हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें हम सारे स्टेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पर होती है बट ये चीज़ तब मायने रखती है अगर जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट्स में से पूछी जाए ठीक है स्टेजेस ओवरऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से पूछी जाए तो ये आपका राइट right आंसर रहता है वैसे आफ्टर बर्थ हम इन्फेंसी की जो बात करते हैं जो कि आपकी जीरो से दो साल के बीच में रहती है आपकी शैश्यवस्था जिसको हम वो बोलते हैं तो इसमें क्या होता है फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर फास्टेस्ट होती है मतलब आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ याद रखना आफ्टर बर्थ यहाँ पर क्या होगा जो आपकी आ, ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा रहेगी ठीक है और यहाँ पर इस एज में सी हमने सिर्फ ओवरऑल जो है करेक्टर्स लिए हैं कि इस टाइम आपको क्या देखने को मिलता है शैशवावस्था में या इन फैंसी पीरियड में तो सेंसेस आर टीचर्स बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है ये चीज़ें अगर आपने प्याजी की थ्योरी पढ़ी है वहाँ पर भी आपने देखा है कि बच्चा सेंसेस से सीखता है और इस चीज़ को हम ज़्यादा एलाबोरेट थ्योरीज में करेंगे क्योंकि सारी थ्योरी इन पर बेस्ड बेस्ड है अगर आप किसी भी जैसे हम मॉरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए डेवलपमेंट की बात कर लीजिए तो पर्टिकुलरली एज में बच्चा कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है वो चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है अभी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि आपके फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है सेंसेस यहाँ पर टीचर बन जाती है आईज नोज जो टंग है यहीं से फील करके ये चीज़ें इन्वायमेंट को उसको आवाज़ देते हैं तो उसके भाई, भाई वो सु, सुनता है फिर उसको इमिटेट करने लग जाता है बच्चा थोड़ा थोड़ा ठीक है यहाँ पर बच्चा क्या होता है ए सोशल होता है अशोशल का मतलब क्या है उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है उसको सोसाइटी से कोई भी लेना देना नहीं है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ठीक है और यहाँ पर जो सेपरेशन इन्जाइटी रहती है बच्चे के अंदर कि मम्मा से दूर नहीं जाना है अपने फादर से दूर नहीं जाना है ये वाली एनजाइटी उसके अंदर रहती है इस एज में ठीक है तो ये रहता है आपके इन्फेंसी पीरियड जो दो से जीरो से दो साल तक रहता है एंड जिसमें आपके फिज़िकल ग्रोथ जो है सबसे फास्टेस्ट होती है सेपरेशन एनजाइटी बच्चे में रहती है और टीच सेंसेस उसकी टीचर बन जाती है किसी से नहीं सीखता है वो कोई नहीं सिखा सकता उसको सिर्फ उसकी सेंसेस उस टाइम उसको सिखाती है ये चीज़ आप प्याजी की थ्योरी में बहुत अच्छे से समझ सकोगे वैसे ऑलरेडी मैंने प्याजी की थ्योरी अपलोड करके रखी है अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए एक बार ठीक है आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्याजी की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड अगर आप फिर भी चाहते हो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊँ बड़ी थ्योरी है बहुत अच्छे से एलेबरेट करके समझाई गई है सो so, अगर आप उसको देख लीजिए अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं एक और बार फिर से आपको थ्रू ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड समझा दूंगी ठीक है और इनफैक्ट वहाँ पर ए सोशल होता है ये आपके रहते हैं इन पीरियड्स के जो करेक्ट्रिस्टिक्स रहते हैं अब बात कर लेते हैं चाइल्डहुड हमने बात की चाइल्डहुड दोनों में होते हैं चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था बाल्यावस्था मतलब और अर्ली मतलब पूर्व बाल्यावस्था तो दो से छः तक रहती है वो आपके दो से दो, दो से छः साल तक रहती है सी आपकी यहाँ पर ग्रोथ मतलब नॉर्मल रहती है फास्ट रहती है बट बहुत फास्ट नहीं रहती है आपने यहाँ पर भी देखा यहाँ पर जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट रहेगी आफ्टर बर्थ क्योंकि बच्चा कितना जल्दी ग्रो कर जाता है यहाँ पर बहुत सारी बहुत सारी टर्म्स में ग्रो करता है वो ठीक है उसकी बॉडी साइज कितना इंक्रीज़ करता है हर चीज़ कितनी डिवेलप हो जाती है यहाँ पर ठीक है अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें जो दो से छः साल के बीच में आती है यहाँ पर ये जो पीरियड है ये आपके सेंसिटिव uh, और फास्टेस्ट पीरियड है ये चीज़ आपको याद रखनी है सेंसिटिव और फास्टेस्ट पीरियड है आपके किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर लैंग्वेज डिवेलपमेंट ये चीज़ किसने बोली थी ये चीज़ आपके नॉम चॉम्सकी ने बोली है प्याजे ने बोली है वाइकॉसी ने बोली है यही चीज़ बोली है और सबसे ज़्यादा तो आपके नॉम्स नॉम चॉम्सकी थे जो Unul nebuliti. E ceas. कि लैंग्वेज एक्विजिशन के सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है आपका अर्ली चाइल्ड हुड यहाँ पर बच्चे के अंदर उन्होंने एक डिवाइस का नाम दिया था एल ए टी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं जिसको कि ये जो डिवाइस है ये एक्टिव रहता है इस टाइम पे और बच्चा सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो इस टाइम पर सीखता है वर्ड्स वोकेबलरी सबसे ज़्यादा उसकी इस टाइम पर बिल्ड होती है क्योंकि ये कोई एक इमेजनरी डिवाइस है जो ये बोलते हैं नॉम्सॉम्स की बोलते हैं तो ये इमेजनरी ऐसा कोई हमारे अंदर नहीं है दिमाग के अंदर बट ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ डिवाइस होता है हमारे अंदर जो हमारे को इन एबिलिटी होती है हर इंसान के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन की इस डिवाइस की वजह से होती है और मैक्सिमम कब रहती है विद एज ये फेड होता रहता है कम होता रहेगा विद एज बट इंफेंसी में इंफेंसी के बाद आपके चाइल्डहुड में जो है ये फास्टेस्ट पीरियड रहता है आपके लैंग्वेज uh, डेवलपमेंट का इसकी वजह से ही रहता है और जैसे जैसे हम बड़े होते रहेंगे तो ये जो आपका लैड है ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लिख लीजिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है ये क्या होता है वीक होता रहता है विद एज ठीक है ज़्यादा एज होती रहेगी ये वीक होता रहेगा उतनी कम आप चीज़ें सीख सकोगे आपने ये बहुत बार सुना होगा ये चीज़ें ऐसी होती रहती है कि कुछ बच्चे हैं उसके पेरेंट्स वर्किंग थे तो उनको उस बच्चे को फोन दे के चले जाते थे वो लोग या कुछ भी उसके पास फोन एज अ मीडियम ऑफ टॉय रखा हुआ था तो वो मे बी कार्टून्स देखता था बहुत ज़्यादा बहुत पहले अभी मैंने सुना था ये थोड़े दिन पहले ही तो वो कार्टून देखता रहता था एंड वो कार्टून शायद से जैपनीज में थी तो ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक द लोक द नेटिव लैंग्वेज जो उसकी अपनी मदर टंग थी वो नहीं बोल पाता था वो बच्चा क्या होता था जो कार्टून में वो लैंग्वेज बोलते थे वही लैंग्वेज उसने सीख ली थी तो दे स्टार्टेड कंसल्टिंग डॉक्टर तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है इसके साथ तो बच्चे में क्या होता है इस एज में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है वर्ड सीखने की और लैंग्वेज सीखने की और उस टाइम अगर आप उसको जो भी लैंग्वेज आप उसको सिखाओगे वो बहुत इजीली कैच कर लेगा ठीक है और हमने देखा है जितनी ज़्यादा हम बड़े होते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे लैंग्वेज जो भी किसी भी लैंग्वेज को समझने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से होती है ठीक है नॉम्सॉम्सकी को एंड लैंग्वेज को लैंग्वेज की डेवलपमेंट हम अलग से पढ़ेंगे जिसमें प्याजे वाइकॉसी एंड आपका जो ये नॉम्स चॉम्सकी है इन तीनों के जो व्यूज़ हैं हम उसके बारे में बात करेंगे प्याजे एंड जो बाइकॉत्सी है वो तो टोटली तो ऑपोजिट तो जाते तो हैं लैंग्वेज के टर्म्स में ठीक है तो ये हम उसमें डिस्कस करेंगे यहाँ पर ग्रोथ फास्ट फास्ट होती है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती पर फास्ट होती है ठीक है टॉय एज भी बोला गया है इसको क्योंकि बच्चा क्या करता है बहुत ज़्यादा अपना टाइम खिलौनों के साथ बताता है बिताता है चार्टर बॉक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लग जाता है क्यों क्या कैसे इस एज में आपने देखा होगा बच्चा ये करता है और आपके चार्टर बॉक्स एज क्वेश्चनिंग एज भी इसी बोला गया है ठीक है और प्री गैंग एज मतलब अभी वो स्कूल जाने नहीं लगा है अभी वो स्कूल नहीं जाने लगा है यूजुअली एंड uh, मतलब आपके प्री स्कूल्स में ही गया है तो वहाँ पर वो उसको गैंग गैंग का पता नहीं है कुछ भी फ्रेंडशिप नहीं पता है कुछ भी नहीं पता है ठीक है तो बट वो जानना चाहता है कंपनी बनाना स्टार्ट करता है एक्सप्लोरेशन एज क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता रहता है आपने बहुत बार देखा होगा इस एज के बच्चे दो से छः साल के बच्चे अगर आप उसको कोई कार्ड दे दीजिए तो वो क्या करता है तोड़ फोड़ के टायर्स अलग कर देगा उसको देखना लग जाएगा कि इसमें अब क्या कर सकता हूँ उसकी बहुत अच्छे से आ, मतलब उसका हर पुर्जा पुर्जा साइड में करके फेंक देगा क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा होता है उस एज में आपने मैक्सिमम टाइम्स ये देखोगा ईगो सेंट्रिक या हम बोलेंगे सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है बच्चा यहाँ पर ये चीज़ आपके न, आप इसको प्याजी की थ्योरी में भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे ईको सेंट्र मतलब उसको बच्चे को चाहिए वो बच्चा अपने क्लोथ्स खुद चूज़ करने लग जाएगा उसको यही चाहिए कि सब उसकी सुने ठीक है बस उसको ये लगेगा सारी दुनिया उसके अराउंड ही घूमती रहती है उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है ठीक है ये रहता है नेक्स्ट आपके इमिटेटिव एज बच्चा कार्टून देख रहा है जैसे मैंने आपको बोला तो उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा कुछ भी आप बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे कार्टून में भी अगर कुछ अच्छा दिखा रहे हैं बच्चों को कार्टून कुछ अच्छे वाले कार्टून दे आर फाउंड ऑफ लविंग एंड दे आर लविंग कार्टून एंड दे आर मतलब हमेशा ही वॉच करना है उनको कार्टून ही देखते हैं अगर कार्टून में कुछ अच्छी नॉलेज दी जा रही है बच्चा बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ग्रैप कर रहा है अच्छी नॉलेज नहीं भी दी जा रही तब भी वो ग्रैप कर रहा है बट अगर अच्छी नॉलेज दी जा रही है तब भी बहुत अच्छे से ग्रैप कर रहा है आप पूछोगे से से सीखा सीखा वो बोलेगा कि मैंने मैंने तो, मैंने तो 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 कार्टून कार्टून था, था तो में का उसकी, तरह, उसकी तरह, हम ये बोल सकते हैं आपके so, है अर्ली चाइल्डहुड फिर रहता है आपका लेट चाइल्डहुड जो कि आपके सात से ग्यारह वर्ष तक आता है ठीक है जिसको हम उत्तर बाले वस्था बोलते हैं और इसको सूडो मच्योरिटी एज भी बोला गया है सूडो मतलब फॉल्स बच्चे को लगता है मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ क्योंकि इसके बाद क्या अडोलेसन्स पीरियड आता है अडोलेसंस पीरियड में मच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है आपकी बट यहाँ पर बच्चे को लगता है मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ एंड आपका जो है उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ ठीक है पर वो सूडो है फॉल्स है बच्चा अभी इस टाइम बड़ा नहीं हुआ होता है ठीक है इसमें आपको ये एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है इसको गैंग एज भी बोला जाता है गैंग्स बननी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप बॉयज़ बॉयज़ का ग्रुप ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे ये आप आ, जो है सिगमेंट uh, फ्रूट की थ्योरी में भी पढ़ सकते हो जो आपकी एज वाला सिस्टम है फिर उसके बाद आप ये चीज़ कहाँ पढ़ोगे आपके प्याजे में भी आप ये चीज़ पढ़ोगे ठीक है एंड सोशलाइजेशन इज रैपिड बच्चा ऑब्वियसली गैंग्स बनाने लग गया है फ्रेंड्स बनाने लग गया है तो सोशलाइजेशन जो होगी वो रैपिड हो जाएगी स्कूल में जा रहा है तो उसको

ये वन टू प्लस वन टू इज इक्वल्स टू फोर ये उसको ये चीज समझ आ जाएगी ठीक है मतलब उसको एग्जाम्पल चाहिए उसको कुछ चीजें चाहिए मूर्त चीजें चाहिए अपने आगे ठीक है जैसे ये बोले वन प्लस वन उसको ये चीज़ दिखाओगे तो उसको लॉजिक समझ आ गया वन प्लस वन टू होते हैं बट उसको क्या चाहिए फिर भी कुछ सिंबल्स चाहिए जिससे वो रिकग्नाइज कर सके उस चीज को तो वो यहाँ पर ये चीज आ जाती है और ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर हम बोले सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब स्लो होती है आप मतलब तो चाइल्ड डेवलपमेंट में तो सबसे ज़्यादा स्लो आती है आपके लेट चाइल्डहुड में फिर उसके बाद आपकी चाइल्डहुड में आती है फिर उसके बाद आपकी अडोलसन्स में आती है और सबसे ज़्यादा आपकी इन्फेंसी में आती है आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अब हम अडोलसनस के बारे में पढ़ लेते हैं ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होगी तो अब हम एडोलसनस के बारे में पढ़ते हैं अब हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे एडोलेसेंस आपको पता है किसी भी लाइफ जो आपकी लाइफ है उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने शोशली भी बायोलॉजिकली भी, भी, भी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी होता है एंड यहाँ पर भी ईगो सेंट्रज़म आ जाती है बच्चे के अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ लविंग हो जाता है अपने टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा केयरिंग uh, हो जाता है बहुत ज़्यादा केयर करता है अपनी अपने खुद अब सब से गए हो आपको पता है कि यहाँ पर आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एंड आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो एक आपको पता है हम ये बोल सकते हैं आपके चाइल्ड और अडोलेसंस के लिए हम बोल सकते हैं चाइल्ड हुड और आपके न, हम आ, क्या बोल सकते हैं अडल्टुड बीच अडल्ट के बीच का जो ये पीरियड है या हम बोल सकते हैं ये ब्रिज है ठीक है ये क्या है एडोलेसेंस एक ब्रिज है आपके चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में मतलब आप बच्चे से एक बड़े होने के बीच का जो ब्रिज होता है जो कवर करते हो रस्ता वो एडोलेसेंस के थ्रू कवर करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं फिजिकली भी एंड सोशली भी आपको करनी पड़ती हैं ठीक है ट्रांजिशनल पीरियड uh, है मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस आएंगे बहुत ज़्यादा उपतार चढ़ाव आएंगे इस एज में एंड आपके यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं वो तो थ्रू आउट द लाइफ वैसे हर की सोची जाए तो थ्रू आउट लाइफ वो बोलते हैं बट मेन डेंटी क्राइसिस यहाँ पर रहते हैं बच्चे को समझ नहीं आता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ मैं छोटा हो चुका हूँ मैं छोटा हूँ कि मैं बड़ा हो चुका हूँ क्योंकि कुछ पर, बार आपको एड्रेस करते हैं कि आप तो बहुत बड़े हो चुके चीजें खुद करनी चाहिए और कई बार पेरेंट्स बोलते नहीं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए ऐसी नहीं करनी चाहिए तुम्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए तो बच्चा वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है उसको यह नहीं समझ आता है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है यहां से मुझे आगे कहां जाना है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज यूज हो जाता है इस एज में ठीक है और इस एज को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी बोला गया है ये किसने बोला था ये आपके स्टैंडली हॉल ने बोला था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये आपके स्टैंडली हॉल ने बोला था कि एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम किसने एडोलसन्स को नाम दिया गया है स्टैंडली हॉल इन्होंने अपनी बुक एडोलसन्स जो उनकी बुक थी उसमें डल्सन्स नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी उसमें इस एज को उन्होंने जो डल्सन्स है उसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग बोला था बहुत अच्छे से उन्होंने स्पेसिफाई किया था ये चीज़ तो आपको खुद पता है कि कितने ज़्यादा आपके यहाँ पर स्ट्रेस आता रहता है बच्चों में कितना ऑब्वियसली वो बहुत उथल फुथल सी जिंदगी हो जाती है उनको समझ नहीं आता है कि हमने आगे लाइफ में करना क्या है और स्टेज ऑफ अन मतलब बच्चा यहाँ पर इमेजनरी वर्ल्ड में चला जाता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है जो चीज़ होती नहीं है ठीक है एंड यहाँ पर आपको पता है अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर जो रहता है वो भी एक आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट रहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे